उसकी बहन रिया का फोन आया और वह रोते हुए बोली, दीदी मैं जानती हूँ आज मुझे सिर्फ आप ही समझ पाएंगी। बात क्या है, तू रो क्यों रही है? रजनी ने घबरा कर पूछा तो रिया बोली, दीदी मैं और अजीत। उसने रोते हुए सारी बात रजनी को बताई। अब रजनी ने सोच लिया था कि वह प्रिया के साथ वह सब नहीं होने देगी जो उसके साथ हुआ। रजनी ने जब सार्थक से अपने मायके जाने की बात कही तो सार्थक फिर भड़क कर बोला, अब क्या हो गया तुम्हें जो अचानक मायके जाना है? रजनी सार्थक को क्या बताती, वैसे भी सार्थक रजनी की कोई बात समझता ही कहाँ था। रजनी भी इस बार गुस्से में बोली, सार्थक एक काम करो, तुम भी चलो मेरे साथ कल मेरे मायके और खुद ही सब सुन भी लेना और देख भी लेना। दूसरे दिन दोनों रजनी के मायके पहुंच गए। फिर उसके बाद जो हुआ। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रजनी ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम इस घर में डांस क्लास शुरू करना चाहती हो क्या? मैं तुम्हें पैसे नहीं देता जो तुम कमाई का जरिया ढूंढ रही हो, गुस्से में रजनी से बोला सार्थक। रजनी बोली, तुम तो जानते हो मुझे बचपन से ही नृत्य का शौक रहा है, नृत्य करने से मुझे खुशी मिलती है इसलिए मैंने डांस क्लास शुरू करने का मन बनाया है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी खुद की कोई पहचान हो। सार्थक को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोला, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, लोग क्या सोचेंगे? एक इंजीनियर की पत्नी को ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि बच्चों को डांस क्लास चलाने लगी? रजनी तुम्हें अपने ये सब शौक अपने अरमान अपने मायके में ही पूरे कर लेने चाहिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ मेरी इमेज डाउन करो। मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, समझी? रजनी की आग की बात सुने बिना ही सार्थक वहाँ से अपना फरमान सुनाकर जा चुका था। ये सार्थक ने पहली बार नहीं किया था। जब भी रजनी अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती वह इसी तरह रजनी पर गुस्सा करता और अपने पेशे का रोब जमा कर रजनी की ख्वाहिशों का गला घोट देता। आज फिर से एक बार रजनी के अरमान सार्थक द्वारा कुचले जा चुके थे। वे बुझे मन से रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय गैस पर चढ़ाकर रजनी अतीत में खो गई। रजनी हंसमुख चंचल स्वभाव की लड़की थी और शुरू से ही बहुत अच्छा नृत्य किया करती थी। भरतनाट्यम और कथक में तो उसने महारत हासिल की हुई थी और उसने उसके कॉलेज में भी कई अवार्ड भी जीते थे। प्रतिभाशाली और रूपवान रजनी के लिए कई लड़कों का दिल धड़कता था। उसमें से एक लड़का था सुरेश, जो रजनी से सीनियर था और पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब पर लग चुका था। रजनी के साथ वह अपने भविष्य के सपने संजोना चाहता था। रजनी के कॉलेज का अंतिम वर्ष चल रहा था और रजनी के माता पिता ने रजनी की शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था। रजनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी, मगर लोग जी बोले, बेटा तो अपनी सारी इच्छाएं शादी के बाद पूरी करना। अगर तेरा पति और तेरे ससुराल वाले चाहेंगे तो तू अपना खुद का नाम ऊंचा ज़रूर करना। रजनी बोली, पापा एक बार मुझे मेरा कैरियर बना लेने दो, फिर मैं शादी के लिए भी हाँ कर दूंगी। रमा जी बोली, रजनी तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उसी में सभी की भलाई है। फिर तुम ससुराल जाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करना और फिर तुम्हारे पीछे तुम्हारी छोटी बहन रिया भी तो है, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए फिर हम इसके लिए भी लड़का देखना है। रिया रजनी से 2 साल छोटी थी। रजनी माता पिता की मर्जी के सामने मन महसूस रिया रजनी से 2 साल छोटी थी। रजनी माता पिता की मर्जी के सामने मन महसूस कर रह गई। रजनी के ज़िंदगी और अपने कैरियर को लेकर जो सपने थे वह चकनाचूर हो गए थे। आज कॉलेज का अंतिम दिन था, सभी सहेलियां एक दूसरे से बिछड़ने के गम में थीं। तभी वहां सुरेश ने आकर रजनी के सामने अपने प्रेम का इजहार किया। सुरेश कॉलेज का पढ़ने में सबसे होशियार लड़का था, शायद ही कोई लड़की हो जो सुरेश को ना कर दे। रजनी को भी सुरेश पसंद था, मगर सुरेश ने अपना प्यार का शुरू में इजहार किया भी था तो उस वक्त जब घर में कॉलेज का पढ़ने में सबसे होशियार लड़का था, शायद ही कोई लड़की हो जो सुरेश को ना कर दे। रजनी को भी सुरेश शुरू से पसंद था, मगर सुरेश ने अपने प्यार का इजहार किया भी था तो उस वक्त जब घर में उसके लिए लड़के देखे जा रहे थे। सुरेश बोला, रजनी मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम अपने घर में मेरे बारे में बात करो और मैं भी मेरे घर में तुम्हारे में बारे में बात करता हूँ ताकि हमारी शादी हो सके। मैं तुम्हें बहुत सालों से चाहता हूँ मगर अब तक बोल नहीं पाया था। मैं आज ही घर जाकर तुम्हारे बारे में मेरे माता पिता को बताता हूँ और तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाता हूँ। रजनी भी अंदर से खुश थी क्योंकि वह भी सुरेश को पसंद करती थी और वह जानती थी सुरेश लड़कियों की बहुत इज्जत करता है, वह उसे हमेशा खुश रखेगा और शादी के बाद उसे उसके मनपसंद करियर को चुनने में भी उसकी मदद करेगा। सुरेश के घर वाले इस रिश्ते को करवाने को तैयार हो चुके थे और उन्होंने रजनी के घर रिश्ता भेजा, मगर त्रिलोक जी बोले, रजनी तुम इस सुरेश से शादी करना चाहती हो, है ही क्या इसके पास?
यहाँ मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर इंजीनियर लड़के की तलाश कर रहा हूँ और तुम एक नॉर्मल जॉब करने वाले लड़के से शादी करना चाहती हो। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ लड़कों की तस्वीरें रखी हैं, देख लो, कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है। और तुम चाहती हो कि तुम्हारा हाथ सुरेश के हाथों में दे दूँ, जिसकी खुद की बहुत साधारण सी जिंदगी है। रजनी बोली, पापा वह मुझे बहुत खुश रखेगा। उसके घर की परिस्थितियों के कारण वह कुछ बन नहीं पाया, मगर वह आगे भी कुछ अच्छा ही करेगा। रमा जी बोली, रजनी तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते सामने चल कर आए हैं, मूर्ख मत बन। और उन्होंने सार्थक के फोटो दिखाते हुए कहा, यह लड़का इंजीनियर है और कल ये लोग तुझे देखने आएंगे। वैसे तो बायोडाटा में सब कुछ लिख दिया है, मगर फिर भी वह लोग जो पूछें उसका जवाब दे देना। एक बार फिर रजनी का दिल टूट गया और वह रो पड़ी। सुरेश का फ़ोन रजनी पर आया तो रजनी बोली, सुरेश बेहतर होगा तुम मुझे भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। फ़ोन रखकर वह अपने आप को ही कोसने लगी कि क्यों लड़कियों को अपने दिल का कुछ भी नहीं करने दिया जाता, चाहे वह कैरियर हो, शादी, क्यों उसकी अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक उसे नहीं दिया जाता है। वह रो पड़ी और पूरी रात रोती रही, मगर उसके आंसुओं को समझने वाला घर में कोई न था। दूसरे दिन सार्थक और उसके घर वाले रजनी को देखने आ गए। सार्थक और रजनी को अकेले में बात करने का मौका दिया गया। तब सार्थक ने रजनी से कुछ गिने चुने सवाल पूछे। रजनी चाहती थी बताना कि वे ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहती है, मगर सार्थक ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। जब वे दोनों बात करके बाहर पहुँचे तो घर वाले बेचैनी से उनके सामने देख रहे थे, जैसे बस हाँ सुनना चाहते हों। सार्थक ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और रजनी से तो घर वालों ने पूछने तक की जहमत उठानी नहीं समझी थी, क्योंकि रजनी की हाँ या ना से किसी को कहाँ फ़र्क पड़ता था। लड़की वाला पक्ष तो पहले ही अपने आप को झुका हुआ समझता है, उनके लिए तो इतना ही काफ़ी होता है कि लड़का अच्छी पोस्ट पर हो और ससुराल में बहुत पैसा हो, ताकि उनकी बेटी राज करे। बस ये दो बातें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। खैर, रजनी का रिश्ता सार्थक से जुड़ गया और अब रजनी और सार्थक की चैट पर या फ़ोन पर बातें होने लगी। रजनी जब भी सार्थक से अपने करियर को लेकर कोई बात करती, सार्थक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता या उसे अपना कोई काम याद आ जाता। रजनी समझ चुकी थी सार्थक को, रजनी के सपनों को पूरा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है सार्थक को। बहुत बार सार्थक से बात करने के बाद रजनी मन महसूस कर रह जाती, क्योंकि सार्थक सिर्फ अपने सपनों के बारे में बात करता। वह बस अपनी ऊंची पोस्ट, अपने रुतबे की सोचता। रजनी सब जानते हुए कर भी क्या सकती थी? इस समाज में रिश्ता होने के बाद तोड़ना मतलब कि हजारों लोगों की अलग अलग बातों का शिकार होना। एक बार रजनी ने अपने माता पिता से यह बात कही थी कि सार्थक उसके सपनों और अरमानों को बिल्कुल अहमियत नहीं देता, मगर रजनी के माँ पापा तो इससे बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इंजीनियर लड़का मिला है। बाकी रजनी की खुशियों की चिंता न मायके में किसी को थी और ना ही होने वाले पति को। चाय बन गई क्या? सार्थक की आवाज़ से रजनी की तंद्रा टूटी और वह वर्तमान में लौटी। सार्थक ने चाय का लुत्फ उठाया और लैपटॉप खोलकर अपने काम में लग गया। रजनी भी चाय पीने बैठी, तभी उसकी बहन रिया का फ़ोन आया और वह रोते हुए बोली, दीदी मैं जानती हूँ आज मुझे सिर्फ आप ही समझ पाएंगी। रजनी बोली, क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? रिया बोली, दीदी मैं अजीत, जो कि अपनी ही सोसाइटी में रहता है, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मगर पापा मम्मी ने तो मेरे लिए एक सीए लड़का पसंद कर रखा है। दीदी आप तो अजीत को बचपन से ही जानती हैं, हम सब साथ ही बड़े हुए हैं। अजीत अजीत बहुत अच्छा लड़का है, ये बात मम्मी पापा भी जानते हैं। अजीत कमाता भी अच्छा है, बस उसका यही कसूर है कि वह इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है। रजनी रिया से बोली, तू रो मत, मैं कल की ट्रेन की टिकट बनवा देती हूँ और मैं कल ही वहाँ आ जाऊँगी। रजनी ने सोच लिया था कि वह रिया के अरमान अपने माता पिता द्वारा कुचले जाने नहीं देगी, वह रिया के साथ वह सब नहीं होने देगी जो उसके साथ हुआ। रजनी ने जब सार्थक से अपने मायके जाने की बात कही तो सार्थक फिर भड़क कर बोला, अब क्या हो गया तुम्हें जो अचानक मायके जाना है? रजनी सार्थक को क्या बताती, वैसे भी सार्थक रजनी की कोई बात समझता कहाँ था। रजनी भी इस बार गुस्से में बोली, सार्थक एक काम करो, तुम भी चलो मेरे साथ कल मेरे मायके, और ख़ुद ही सब सुन भी लेना और देख भी लेना। सार्थक वैसे भी रोज़ रोज़ ऑफिस जाकर थोड़ा ऊब गया था, उसने सोचा कि थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा, इसलिए उसने अपनी और रजनी की अगले दिन की ट्रेन की टिकट बनवा दी। दूसरे दिन दोनों रजनी के मायके पहुँच गए। रिया अपनी दीदी के आने से राहत महसूस कर रही थी, वहीं उसके माता पिता यूं बेटी दामाद को अचानक देखकर दंग रह गए।
रजनी ने सोच लिया था जो उसके साथ हुआ है वह अपनी बहन के साथ नहीं होने देगी। रजनी अपने माता पिता से बोली, माँ अजीत और उसके परिवार को हम सभी पहले से जानते हैं, उनके पूरे परिवार की तारीफ सभी लोग करते हैं, मगर आप लोग सिर्फ ये कि शादी इसलिए रिया की शादी इसलिए वहाँ नहीं करना चाहते कि अजीत कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है। मगर आप लोग ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि अजीत रिया को वह खुशियाँ दे पाएगा जो शायद कोई डॉक्टर या इंजीनियर ना दे पाए। माँ जब बचपन में लोरिया सुनाती हैं तो उसमें एक भावी राजकुमार के सपने दिखाती हैं, मगर बड़े होने के बाद पता चलता है कि राजकुमार तो वह होता है जो माता पिता की नज़र में सेट हो जाए, डॉक्टर इंजीनियर या सीए, भले दो दिल मिलें या ना मिलें मगर सेटिंग मिलनी चाहिए, फिर भले ही वह रिश्ता बेमानी ही क्यों ना लगने लगे। उसे निभाना नियति, तोड़ना क्रांति और ज़िंदगी मज़े से जीना अनहोनी सा लगने लगता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल कोक का किराया वसूलने की नियत है, क्योंकि लड़की के घर वाले इस मानसिकता से ही ऊपर नहीं आ पा रहे हैं कि हम लड़की वाले हैं। पश्चिमी सभ्यता अपनाने वाला हमारा समाज आज भी इस मामले में ठेठ भारतीय ही है। जिस दिन लड़की वाले खुद्दार हो जाएंगे कि हमारे कलेजे का टुकड़ा दे रहे हैं सहेज कर रखना, वरना उस दिन सही मायने में लड़कियां आज़ाद कहलाएंगी। क्यों हमेशा लड़कियों को अपने सपनों की बलि देकर अपने माता पिता की इच्छाओं की स्वीकृति देनी पड़ती है, बस इसलिए कि वह सिर्फ एक लड़की है। मम्मी पापा आपको समझना होगा कि कन्यादान इस जीवन का सबसे बड़ा पुण्यदान माना गया है और इसे बहुत सोच समझ कर करना होगा, वरना एक लड़की की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है। रजनी की एक एक बात सुनकर आज रजनी के माता पिता को तो शर्मिंदगी महसूस हो ही रही थी, साथ साथ सार्थक की आंखों पर पड़ी पट्टी भी उतर रही थी। उसने भी तो अब तक यही किया था। जो लड़की मायके से अपने पति के साथ इतनी उम्मीदों से आती है कि पति उसके सारे सपने पूरे करेगा, वह पति भी तो हर पल उसे नीचा दिखाता आया है। सार्थक ने सबसे पहले रजनी से माफ़ी मांगी और फिर रजनी के माता पिता से बोला, रजनी बहुत सही कह रही है, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि एक लड़का जब इंजीनियर या डॉक्टर हो मतलब वह आपकी लड़की को खुश रखेगा। लड़के का अच्छे पोस्ट पर होने से ज़्यादा मायने ये रखता है कि लड़का आप लड़की से कितना प्यार करता है और उसे कितना खुश रखेगा। रजनी के माता पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अजीत के घर से आए रिश्ते के लिए उन्होंने हामी भर दी और रिया और अजीत की शादी हो गई। सार्थक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह रजनी के अधूरे सपनों को उड़ान देने लगा। रजनी ने बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर दिया जिसमें उसे बहुत खुशी मिलती थी। दोस्तों आज भी इस ज़माने में बहुत जगह यही देखने को मिलता है कि लड़की के माता पिता उसके लिए एक ऐसे वर की तलाश में रहते हैं जो डॉक्टर सीए या इंजीनियर हो, भले ही लड़का लड़की के दिल मिले या ना मिले, सेटिंग यही होती है कि लड़का अच्छी पोस्ट पर है।